इस भक्ति बिना जीवन जीवन है ही नहीं। जरी जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम रो बिन होए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जरी जाओ सो जान की नाथ बिना, मैं जर जाऊं, मैं मर जाऊं, अगर मैं इस दुनिया में जीऊं जग में तुम रो बिन हो, अगर तुम्हारे बिना होकर के मैं जिया तो क्या जिया। तिन ते खल सू कर स्वान भले, अगर हम आपके होकर के न जिए तो इससे अच्छा तो, हमसे अच्छा तो पशु है। क्योंकि वो पशु तो उन्नति की ओर जा रहा है। पशु कभी पाप नहीं करते, पशु पाप नहीं करते, तो पाप का फल भोग रहे हैं। नया पाप बहुत कम चांस है कि कोई पशु पाप करे। गाय क्या ही पाप कर लेगी बताओ, चारा खाएगी, अपने बाल बच्चों के साथ रहेगी, सुबह खाएगी, सोएगी, जगेगी, क्या पाप कर लेगी, किसका धन छीन लेगी, किसका धन हड़प लेगी। पाप का खतरा तो इस 84 लाख योनियों में बस मनुष्य का ही है। इसकी गारंटी नहीं इसकी कब बुद्धि बिगड़ जाए। शेर क्या पाप कर लेगा, बोले शेर तो रोज पाप करता है, जीवों को मार मार के खाता, आप तो कहते जीव हत्या पाप है। शेर किसी को मारे भी तो वो उसका पाप नहीं है, वो उसका कर्म है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। लाख हत्या करे शेर उसको पाप नहीं लगेगा, पर मनुष्य करेगा तो पाप लगेगा। तो पशु तो हर रोज उन्नति की ओर जा रहा है, उनके तो पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप बन नहीं रहे उनसे नए कुछ, लेकिन हमसे हर रोज बनते हैं। हम हर रोज गलत रास्ते पर जाते हैं, हम रोज गलत रास्ता चुनते हैं। इसलिए जरी जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम रो बिन होए, तुम्हारे बिन होके जिए तो क्या जिए प्रभु। इसलिए अब भक्ति मिले कैसे, प्रभु जानते तो हम भी हैं, हमको भी पता है कि भक्ति करनी चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे, क्या करें कैसे करें। तो कहा कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होई अनुकूला। अगर भक्ति चाहते हो तो संतों की अनुकूलता, संतों का आशीर्वाद, संतों का संग, संतों की सेवा सबसे जरूरी है। वो कृपा करेंगे तो भक्ति देंगे, वो कृपा करेंगे तो भजन में मन लगेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा का एक ही कन्फर्मेशन है, पता लगना कैसे कृपा हो रही है। संत मिल गए समझो कृपा, सत्संग मिल गया समझो कृपा। इसलिए भैया भक्ति मतलब समर्पण, भक्ति मतलब समर्पित भाव। अब जो ही कहे, जो भगवान कहे, जो कराए, सब उसकी मर्जी। ये भावी भजन है, ये भावी भक्ति है। भगवान की अनुकूलता में, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही भजन है। शरणागति कहने से नहीं होती, हम भगवान के, हम भगवान, हम भगवान के शरणागत हैं। वैसे जरा सा भगवान कुछ उल्टा जीवन में दें तो एकदम उखड़ जाते हैं, भगवान से लड़ पड़ते हैं, नहीं, ये डुप्लीकेट शरणागति है, ये फेक शरणागति है, नकली शरणागति है। असल शरणागति मतलब मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपके हाथों का इंस्ट्रूमेंट हूं, जैसे नचाओ जैसे रखो, बुराइयों के रास्ते से भी तुम ही बचाओगे। वरना तो भैया माया का चक्कर चल रहा है, सब उसमें पिस रहे हैं, हम भी पिसते चले जाएंगे और एक दिन हाथ से रेत फिसल जाएगा, हाथ से जीवन की सांसें निकल जाएंगी।
और जब होश आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा।